गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई एम बैक विद द लेटेस्ट अपडेट ऑफ अनुपम। बस कॉल अलर्ट लेके मैं आ गई हूं आपको इंटरेस्ट करने की पर्पस बिना वक्त बर्बाद किए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपकमिंग एपिसोड में ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो अनुपमा है उसे पता चल जाता है कि श्रुति ही है इस सब चीज के बीच जो उसके करियर को स्पॉइल किए, क्योंकि वो श्रुति को और मिस्टर स्मिथ को बात करते हुए दिख लेती है। वो सारी बातें सुन लेती है कि कैसे श्रुति ने मिस्टर स्मिथ को फोर्स किया कि वो कंप्लेंट करे, कैसे श्रुति ने मिस्टर गुलाटी के साथ मिलकर प्लान किया जस्ट बिकॉज फिर राहुल ने खाने में यानी कि बिरयानी में कॉकरोच मिली अंदर। उसके बाद वो जो स्पाइस और चटनी था वो बंद हो गया रेस्टोरेंट और बेचारी अनुपमा से मास्टर शेफ का जो ट्रॉफी था वो भी छीन लिया गया। ये सारी चीज़ें श्रुति ने इसलिए किया ताकि वो अनुपमा का करियर को पूरी तरीके से स्पॉइल कर सके। अनुपमा पूछती है सारी बातें सुन के कि तुमने ऐसा क्यों किया श्रुति मेरे साथ, तो यहाँ पे श्रुति ने क्लियर कर बोल दिया मैं तुम्हें अनुज का इर्द गिर्द भी भटकते हुए नहीं देखना चाहती। इनका जो बहस हो वो अलग बात है एंड देन उसके बाद ये सारी बातों का बारे में यशदीप को पता चल जाता, तो यशदीप बोलते हैं सारी बातें अनुज को बतानी चाहिए। तो यहाँ पे जो है अनुपमा बोलती है कि अगर मैं ये बातें अनुज और राज्य को बताऊंगी तो अनुज उसे दूर हो जाएगा, मुझे हर्ट हो जाएगा, मैं हर्ट करना नहीं चाहती, चलो कोई बात है जो क्या मेरे साथ है। एंड देन उसके बाद ये सारी बातें अनुज सुन लेगा और वो श्रुति से पहले जाके ना क्रॉस क्वेश्चन करते हैं और जैसे ही श्रुति मैनिपुलेट होने शुरू होती है वो ये बोलते हैं तुमने बहुत गलत किया, उसके मुँह पे फिंगर रिंग मार देता है एंगेजमेंट का। एंड देन उसके बाद फिर भी श्रुति यहाँ पे इतना जल्दी हार नहीं मानने वाली, वो आद्या को मैनिपुलेट करिए कि वो अनुज को माने। अपकमिंग एपिसोड इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, आई एम गोइंग टू बी वेरी एक्साइटेड। हाउ मच यू लाइक मी कमेंट बॉक्स में, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।